आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। बैठ जाओ भाई प्लीज, एक भजन गाऊंगा उसके बाद बस ये समझिए कि हम किनारे पे पहुंच चुके हैं। बैठ जाओ, दो ढाई घंटे हो गए मुझे आपको समझाते हुए, अब बैठ जाओ, सिर्फ इस भजन के लिए बैठ जाओ। हाथ जोड़ता हूं आपसे, हाथ जोड़ता हूं, बैठ जाइए बहन जी, बैठ जाइए भैया। इसका सराउंड बहुत है, रिपीट बंद करो इसका। हले हले हाँ हले हले, सराउंड और कम करो। हले भैया बैठ जाइए, ये दो हम ना जो गाने वाले होते हैं ये मॉनिटर लगवाते हैं ताकि हमें सुन जाए, क्योंकि वहाँ वाले स्पीकर की आवाज़ नहीं आती। मैं जब से आया हूँ तब से ही वेस्ट पड़े हैं क्योंकि ये पहुँच नहीं पा रहे मेरे तक, प्लीज़। और एक बार हमारे मुझसे पहले जो गा रहे थे राज पारिक जी, उनके लिए भी ताली बजाएं साहब। और ये हमारा छोटा भाई, हाँ जतिन बिंदल जी, जिंदल जी एक बार खड़े हो जाओ, जतिन के लिए भी ताली बजे साहब। पहले मैं यूपी जाता था ना तो लोग कहते थे बाणिया गाता है, अब यूपी वाले कहते हैं शुक्र है बाणिया गाता है। बैठ जाओ, ये आप अपने मुकद्दर को बना सकते हो, जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। ना मुझे सीखा मैंने कभी, ना किसी के पास गया, ना कोई मेरा गॉडफादर, मेरे खानदान में कोई नहीं गाता साथ, लेकिन ठाकुर की कृपा हो गई। ये पता था गाना नहीं आता, रिझाना जरूर आता है ऐसा। गाना भी नहीं आता, रिझाना भी नहीं आता, मुझे इतना भरोसा है, भुलाना भी नहीं आता। भूलता नहीं मैं, भूलता नहीं, बस हर कदम हर क्षण बाबा को याद रखता हूं। आप भी हर कदम हर क्षण बाबा को याद रखना। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, हाथ जोड़ता हूं, प्लीज बैठ जाइए, थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाइए, ज्यादा देर नहीं। देखो एक सवा एक बजे तक का कीर्तन है, एक एक आधा भजन सुना पाऊंगा और आखिर में जो राम को लाए हैं वो भी सुना कर जाऊंगा, बिना सुनाए नहीं जाऊंगा। भैया पीछे जो ये दो स्पीकर है ना, इसमें मेन माइक दे दो मुझे, मेन माइक दे दो। पानी आता है पेवा में, आजकल पूछना पड़ता है, पंजाब जाते हैं बिजली आती है, बोले नहीं आती। हरियाणा में आती रहेगी, नहीं आएगी तो फिर के घरांगे भाई। देखो सरकार दुनिया में सिर्फ एक है, वो है श्याम सरकार। इसकी कृपा होगी तो किसी के घर में बिजली आए ना आए, आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ मिलेगा साथ, इसकी कृपा होगी तो। और इसकी कृपा नहीं होगी तो कुछ भी कर लेना, लगे हुए इन्वर्टर भी बैटरी फूक जाएगी। इसकी कृपा से ही होता है जो होता है साहब, और कुछ नहीं। आइए, थक गए कह रहे नू, दो आदमी और भेजू बात करने के लिए, तो थोड़ा काम पे कंसंट्रेट करो, कट जाएंगे फायदा क्या। बाणिया हूं मैं, कम तोलता नहीं ज्यादा बोलता नहीं। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, ये पूरी टीम मेरी है, ये जो कोरस पे है इनको कितने साल हो गए तुम्हें? 22 साल हो गए भाई, इसको 22 साल हो गए, इसलिए इसके कटते नहीं है अब। इसको भी पता है, मुस्कुराते रहा करो साहब। किसी आदमी के बारे में अगर पूछना हो ना वो कैसा है, तो उसके दुकान पे नौकरी करने वाले नौकर को पूछना कितने साल से लगा हुआ है, अगर कहेगा ना हर दो महीने बाद बदल जाता है तो समझ लेना सेठ में गड़बड़ है, सेठ में गड़बड़ है, तभी तो टिकता नहीं कोई। इसीलिए इस दरबारी में भी
अगर दरबार बदलते रहे तो जनाब ये समझना यहां सेठ में गड़बड़ नहीं होती, यहां नौकर में गड़बड़ होती है, यहां फंडा उल्टा चलता है, यहां फंडा उल्टा चलता है। क्योंकि रुकना नहीं आता, अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपने चढ़ाए हुए प्रसाद पे भरोसा नहीं है, अपनी लगाई हुई अर्ची पे भरोसा नहीं है, तो श्याम बाबा आप पर भरोसा करके कैसे आपको दे देंगे। भरोसा रखो, 2 महीना 4 महीना 6 महीना सुदामा के बच्चों के पेट पीठ से जुड़ गए थे, तब जाके ठाकुर के चरणों में गया और ठाकुर ने क्या किया ये आप सब जानते हैं साहब। लेकिन परीक्षा ली तो परीक्षा का फल भी दिया। अगर आपको आज दिक्कत है तो मेरी गारंटी है आने वाले समय में आपके खानदान में किसी को दिक्कत नहीं होगी, अगर खाटू जाते रहे साहब। ये कलयुग का तारणहार देव है, कोई और नहीं है। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। ये दिल्ली का एक भगत, 28-30 साल उम्र जिसकी, उसके भी मन में आया मैं कामयाब हो जाऊं। 25-30 हजार रुपए घर वालों से उधार लिए, व्यापार शुरू कर दिया, दो लोगों पे भरोसा किया, एक अपने दोस्तों पे और एक श्याम बाबा पे। दोस्तों ने कहा तेरा माल हम भी बेचेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसमें तुझे भी देंगे ताकि तू भी कामयाब हो जाए। एक भरोसा बाबा ने दिया कि तुझे हारने नहीं दूंगा, लेकिन क्या हुआ, जिन दोस्तों ने भरोसा दिया था माल तो मंगवाया मगर पेमेंट किसी ने नहीं किया। करोड़ों में से लाखों निकल जाए फर्क नहीं पड़ता, लाखों में से हजारों निकल जाए फर्क नहीं पड़ता, मगर कुछ हजारों में से हजार निकल जाए तो बहुत फर्क पड़ जाता है साहब। जेब में आखिरी 250 रुपए बचे, दिल्ली रोहिला स्टेशन के बाहर खड़ा था, रिंगस की ट्रेन की टिकट पूछी तो 250 रुपए, और वहीं से टैक्सी वाले से घर जाने के लिए पूछा तो टैक्सी वाले ने भी 250 रुपए मांग लिए। मन में निर्णय कर लिया कि घर तो रोज जाता हूं, इस 250 से खाटू चला जाता हूं, क्योंकि उसी के भरोसे से काम किया था, लेकिन मुस्कुराता जाऊंगा, ना मन में शिकवा ना कोई गिला है। सच कह रहा हूं सांवरे, मैं बहुत खुश हूं जब से तू मिला है, जब से तू मिला है। 250 रुपए हाथ में लेके बार बार देख रहा था, पिताजी को फोन कर दिया, बोला पापा मैं 2 दिन बाद मिलूंगा आपसे, मैं खाटू जा रहा हूं। पापा बोले एकदम से क्या हुआ बेटा, बोला पिताजी हारा हुआ महसूस कर रहा हूं मगर मैं हारा नहीं हूं, हारा हुआ महसूस कर रहा हूं मगर मैं हारा नहीं हूं, मेरा साथी खाटू वाला है, मैं बेसहारा नहीं हूं। मैं एक बार जाकर उनसे पूछ के आना चाहता हूं, कैसे कह देता अपने पिता को कि मैं हार गया, क्योंकि पैसा कमाने के लिए व्यापार नहीं किया था, इज्जत कमाने के लिए व्यापार किया था। यहां जितने भगत बैठे दिल पे हाथ रख के बता दो कि यहां जो भी मेहनत करता है वो पैसा कमाने के लिए नहीं, इज्जत कमाने के लिए करता है। अगर 1000 करोड़ रुपए की फर्म थी, अगर वो आज 50 करोड़ की रह गई है, तो बाबा से ये नहीं कहता मुझे 1200 करोड़ का बना दे, बाबा से ये कहता है बाबा मेरी वही इज्जत वापस ले आ जहां पर मैं खड़ा था, मुझे नहीं चाहिए और कुछ। बाबा मैं क्या कहूंगा दुनिया को, एक 7 स्टार होटल में 700 रुपए की चाय है और उसी के सामने एक ठेला लगाकर बैठा है चाय वाला, उसकी 7 रुपए की चाय है, उसको पता है अंदर 650 बचते हैं 700 में और मुझे 2 रुपए बचते हैं 7 रुपए में, लेकिन फिर भी बैठा है, क्यों, क्योंकि पैसा कमाने के लिए नहीं इज्जत कमाने के लिए बैठा है। वो बच्चा कैसे कह देता कि पिताजी मैं हार गया। रिंगस पहुंच गया, पूरे रस्ते भूखा प्यासा रहा, कुछ नहीं खाया, रिंगस के बाहर जीप वाले आवाज लगा रहे थे, खाटू 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 बैठ जाओ खाटू श्याम जी, उसको लगा कोई सेवा होती होगी, बिठा के ले जाते होंगे, बैठ गया। बैठते ही जीप वाले ने 100 रुपए मांग लिए, पूरे रस्ते का भूखा प्यासा था, आंखों में आंसू आ गए कि बाबा इतनी भी परीक्षा लेता है क्या कोई, मैंने मांगा क्या था तुझसे,
सिर्फ इतना ही तो मांगा था मुझे कामयाब कर दे, इस चक्कर में तूने मुझे हर जगह मेरी इज्जत खराब कर दी। कहने लगा मैं सब कुछ छोड़ के 250 किलोमीटर तेरे लिए आ गया हूं, अब तुझे मेरे लिए 17 किलोमीटर आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊंगा तेरे दरबार में। और पेवा वालों सच कहता हूं, दिल से आवाज लगाना, बाबा रिंगस के मोड़ पे नहीं पेवा के मोड़ पे आपको लेने आएगा। ऐसा आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा रिंगस के उस। कौन कौन सुनना चाहते हैं, दोनों हाथ खोलकर मिलकर गाना। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, रिंगस के उस मोड़ पे किस किस को लेने आएगा बाबा, ताली बजाना जरा, एक दो तीन चार। श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले, कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले, हार गया मैं इस दुनिया से अब तो दामन थाम ले, हार गया मैं इस दुनिया से अब तो दामन थाम ले, कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले, मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। जिन पर किया भरोसा मैंने छोड़ गए मुझे रोड पे, जिन पर किया भरोसा मैंने छोड़ गए मुझे लोग कहते हैं हम इतने वीआईपी हैं कि बाबा हमें लेने आएगा, क्यों नहीं आएगा। वो शबरी अयोध्या गई थी क्या, या राम शबरी के घर आए थे। खेवट अयोध्या गया था क्या, या राम खेवट के पास आए थे और भूल गए। सुनते ही दौड़े चले आए लगाया गले से सुदामा को मोहन, आए लगाया गले से सुदामा को मोहन, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो ये लाइन जो अगली गाने जा रहा हूं ना, इस लाइन में बहुत जान है साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है गाना।
इस दुनिया में दो ही कलाधारी हैं, एक काली कलकत्ते वाली और एक खाटू के बाबा, तीसरा कोई कलाधारी नहीं है। तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, कौन कौन देखना चाहता है बाबा की कला, दिल से अर्जी लगा के ताली बजाना, कल से ही कला शुरू हो जाएगी। तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू, हाथ जोड़कर बैठ रहा, अब मैं खड़ा हूं द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के, जिन्होंने जाना था वो गए, पंडाल अभी भी पैक पड़ा है, क्यों? क्योंकि बाबा को पता है आज सबको झोली भरा कर ही भेजना पड़ेगा, कौन कौन झोली भर कर जाएगा ये बात। एक दो श्याम तेरा चर्चा दुनिया में मैं कर दूंगा, तेरा नाम तेरा चर्चा दुनिया में मैं कर दूंगा, मेरे श्याम मैं तेरा चर्चा दुनिया में कर दूंगा, मेरे श्याम तेरा चर्चा दुनिया में मैं कर दूंगा। ये चांद जो देख रहा है वहां भी कीर्तन कर दूंगा, ये चांद वहां भी कीर्तन कर दूंगा। हमारी ड्यूटी है साहब आपका प्रचार करना, कर देंगे अगर आपका सिर पे हाथ रहा। जुलाई अगस्त के पहले हफ्ते में 7 तारीख को इंग्लैंड में बर्मिंगम में कीर्तन होने जा रहा है, सितंबर में हांगकांग में बाबा का दरबार सजने जा रहा है, तो जहां ये लेके जाएगा मैं चला जाऊंगा साथ।